top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. रही हैं आपके जीवन में? देखिए, विगत दिनों से जब से मैं जिलाधिकारी हूं, वैसे तो स्वाभाविक दायित्व होता है जिलाधिकारी का जो भी शासकीय नियम कानून है उनका पालन करना और उसको बेहतर ढंग से जनता के बीच पहुंचाना और जनता में विश्वास अर्जित करना कि अगर हम जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो हमारी बातें सुनी जरूर जाएंगी, एक्सेस टू द गवर्नेंस। तो मैं सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो गांव दूरस्थ अंचलों का भी है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है कि उसका एक्सेस कलेक्टर के यहां बहुत ही आसान है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। दूसरी जो उपलब्धि मैं मान सकता हूं वो ये है कि जो मजदूर तबके के लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, लगभग 60 साइट्स पर, उनके 39,000 बच्चे ऐसे थे जिनको शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित थे, उनको रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रेरित करके हमने 55 क्रेच स्कूल खुलवा दिए साइट्स पर ही, और कुछ कंपनियों का सहयोग लेकर और स्टाफ का सहयोग लेकर स्वास्थ्य विभाग का हमने 39,000 बच्चों का इम्यूनाइजेशन भी करा दिया, उनका पूरा टीकाकरण हुआ। साथ ही उन मजदूरों को हमने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दिलाई, उन मजदूरों को हमने कोशिश किया कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनकी देखरेख प्रॉपर हो, संस्थागत प्रसव हो और एक एम्बुलेंस प्रत्येक कंस्ट्रक्शन साइट पर हो, और ये बिना गवर्नमेंट के खर्च के डेवलपर्स को मोटिवेट करके कराया गया और उन्होंने किया। दूसरा एक उपलब्धि मैं मानता हूं कि यहां के सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोग छिटपुट जो काम करते थे उनको एकजुट करके और ये कोशिश की गई कि कहां के करीब 180 विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में और करीब 45 जूनियर हाई स्कूल में शौचालय, बेंच डेस्क बैठने की व्यवस्था, बिजली का कनेक्शंस कराना। आज की तारीख में पूरे जनपद में कोई भी ऐसा प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल गवर्नमेंट का नहीं है जहां पर कि बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय न हो, जहां पर पेयजल की सुविधा ना हो, जहां पर बिजली का कनेक्शन ना हो, या 50% ऐसे स्कूल हमने कर दिया है जहां पर बच्चों को जमीन की बजाय बेंच डेस्क पर बैठने की सुविधा, उनको एक कॉन्फिडेंस इनिवेट हुआ है और ऐसी जगहों पर बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। तो मेरा पहला फोकस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उपलब्धि मैं उसी को मानता हूं, बड़े जो प्रतिशत के लोग हैं उनके काम होते हैं, लेकिन जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसके लिए कलेक्टर को एक इंस्ट्रूमेंटल होना पड़ता है, और उसमें हमने प्रयास किया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों के सहयोग से उसमें एक शिक्षा और स्वास्थ्य के फील्ड में उपलब्धि हुई। अगर आपको मैं बताऊं, अभी सीएसआर से 5 सीएससीज पर जहां पर कि पैथोलॉजी लैब नहीं थी, पैथोलॉजी लैब भी स्टैब्लिश हो गई ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर बोझ कम हो जाए। ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं थी लेकिन सीएसआर के सहयोग से हो गया। तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मैं ये मानता हूं कि जो सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गवर्नेंस पर ज्यादा डिपेंड है और गवर्नेंस से कभी डिसअपॉइंट होने लगता है, उसके अंदर फैसिलिटीज को देकर और उनके अंदर विश्वास अर्जित करना और उनके अंदर एक्सेस टू द गवर्नेंस की फीलिंग लाना, ये मैं समझता हूं अपनी उपलब्धि में।